रहे हैं जामी और साथ में पब्लिक न्यूज में तस्लीम इस वक्त में मौजूद हूँ बिहार के वेस्ट चंपारण नकटियागंज में। जिस तरह से नकटियागंज में जो वारदात कल हुआ है उसमें एक तरह से राजेश श्रीवास्तव एक तरह से उनकी मौत होगी, उसके बाद से कहीं ना कहीं ग्रामीण है उनके अंदर बहुत से आक्रोश है। इसी बीच प्रशासन भी पहुंची हुई है और यहां पर स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा जी भी पहुंची हैं, लोगों की एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं और प्रशासन भी बातें कर रही है और मीडिया से क्या बात कर रही है हम इसको आपको सुनाऊंगा। हम लोगों भी बात करना है भाटी। 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 आने दीजिए सर। अपोजिशन में आ गए हम लोग, हालांकि ये सब बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है सरकार के लिए, हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए। हॉस्पिटल जिस जो बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में, दूसरी बात मैम अभी तक तो इतने सांसद विधायक रहे हैं, रेफरल हॉस्पिटल बनाने की भी मैंने मांग की है जो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस पर कब होगा मैम, ये कब होगा? अरे भाई हम मैं नहीं नहीं ये कब होगा? एक और कोई मौत होगी तो होगा, एक और मौत होगी तो नहीं आप एज ए प्रेस कल एक घंटा बाहर खड़ा रहा है बॉडी और अभी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं था, कोई दवा का सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, कोई एम्बुलेंस नहीं है। ये तो क्वेश्चन कीजिए या सवाल कीजिए। मैम ये बताइए कि भगवती सिनेमा में जो गोली चला राजेश श्रीवास्तव जी पे, भगवती सिनेमा, हाँ भगवती सिनेमा था उसपे आगे आगे उसके आगे उनका ऑफिस के पास उनके महज उससे रोड पे उससे महज 150 मीटर की दूरी पर थाना है शिकारपुर, शिकारपुर थाना वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका क्या डेढ़ घंटे बाद आई है थाना प्रशासन वहाँ पे, डेढ़ घंटे बाद प्रशासन की तो भयानक गलती है वो हम लोग समझ रहे, रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन एक ही चीज मैं बोलूंगी आम पब्लिक से भी जी, दैट नोबडी हॉस्पिटल का व्यवस्था सही करिए पहले। एक मिनट ये बात सही है और अब आप सबको एकजुट होके प्रशासन से जी सरकार से लड़ना। मैं मेरा लड़ाई बहुत समय से चल रही है, आप स्थानीय विधायक हैं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे आप? जिस तरह से आप स्थानीय विधायक हैं लोग एक तरह से आपसे चाह रहे प्रतिनिधित्व करें, आप अगुवाई करें, तो न्याय दिलाने के लिए परिवार को लिए क्या करना चाहेंगे? क्या विशेष सोसाइटी जांच हो जिसमें कहीं आप पॉलिटिकली षड्यंत्र देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले परिवार क्या चाहती है, मेरा माइक पब्लिक क्या चाहती है वो समझेंगे। माइक नीचे रखिए यार, सब लोग खड़े हैं, सब जनता के लिए यहाँ सब लोग खड़े हैं। सरकार अभी आपकी नहीं है, आप अपोजिशन में, तो फिर जनता तो आपके साथ है, तो फिर अरे बात बताइए। मैंने कब नहीं, ये मैं मुहिम के तौर पे मैंने रेफरल हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया ही है सर, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है उसका मुद्दा उठाया ही है। मैं समय समय पर जाती हूँ, मैं जांच करती हूँ, मैं बैठती भी हूँ, सारे डॉक्टर्स से मिलती हूँ, मैं पर्सनल तौर पर जो मरीज है उनसे भी बैठ करती हूँ। और अभी क्योंकि इतनी बड़ी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी आगे क्या उम्मीद रखे मैडम, मतलब आगे आप क्या उम्मीद रखे उस हॉस्पिटल से कि आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी या उसका जल्द से जल्द उसका सुधार किया जाएगा, ये आप अपने स्तर पे क्या करिएगा? आप मेरे इनिशिएटिव क्या रखे, मैं इस मुहिम को, हॉस्पिटल की मुहिम को बहुत सीरियसली आज से आगे बढ़ाऊंगी कि आगे सिर्फ ये तरीके की घटना नहीं, कोई भी बीमारी हो उसका सही समय पर सही तुरंत इलाज हो, वैसी व्यवस्था कुछ ऐसी हो कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। लेके नरकटियागंज क्षेत्र के पदभार संभाल रही हैं, स्थानीय लोगों का है कि सरकारी हॉस्पिटल का जो पदाधिकारी उनको तुरंत निलंबित किया जाए, हत्या के मुकदमे क्या क्योंकि स्थानीय लोगों को जाने के